एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपराजिक एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 की गणित की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है, कल मैंने उसका सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था। जो पहली वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने मैथ्स के सिलेबस का पूरा ओवरव्यू दिया था। और जो आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, ये हम अपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 लेकर आए हैं। और इस यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग खुद से संख्या पद्धति के बारे में पढ़ लीजिए, मतलब संख्याओं के बारे में पढ़ लीजिए, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग संख्याओं के प्रकार के, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं जानते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले जो संख्या है उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी भी वस्तु को गिनने में करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से, और इसमें एक ये लाइन बनी रहती है, ठीक है, ये सिर्फ एक सिंबल है। और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं और इनको बोलते हैं इवन नंबर्स इंग्लिश में, 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं जो दो से जिनको हम भाग दे सकें, ठीक है। उसके बाद आती है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, 1 3 5 वे संख्याएं जो 2 4 6 8 को छोड़कर हो प्राकृतिक संख्याएं में, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अगर हम प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो को और मिला दें तो जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, इजी। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्या है कि हम लोग जो पूर्ण संख्याएं हैं ये धनात्मक है सारी, 1 2 3 4 5। अब इन्हीं संख्याओं को हम ऋणात्मक करके भी इसी में जोड़ लें, जैसे 1 2 3 इधर हो गया, -1 -2 -3 इधर हो गया, तो ये जो संख्या बन जाती है हमारी ये हो गई पूर्णांक हो गए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो तमाम अपने पहले आने वाली संख्याओं से किसी ना किसी संख्या से कट जाए, मतलब भाग चला जाए उसमें। और कंपोजिट का एक और मीनिंग होता है कि इन संख्याओं को दो संख्याओं के गुणे के बराबर में लिखा जा सकता है जिनमें से वो दोनों संख्याएं एक के बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, है ना। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणे में जिनको लिखा जा सके उनको कंपोजिट नंबर से अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। इसके बाद आती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और एक से भाग देने पर जिनमें भाग चला जाता है, लेकिन एक और खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से अगर हम भाग दें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे 11 को अगर हम भाग दें एक से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और अगर हम 11 से भाग दें तो चला जाएगा, लेकिन एक और 11 के बीच में कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे हम 11 को भाग दें और भाग पूरा पूरा चला जाए। इसके बाद हमारी आती है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। इन संख्याओं को हम हमेशा जोड़े में लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको आपस में जिनका कोई कॉमन नहीं मिलता, मतलब कि दो संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी उनका गुणांक फैक्टर कॉमन नहीं मिलता है, कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भिन्न के अगर हर में डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो भिन्न क्या बोलते हैं डिफाइंड नहीं रह जाती है। उसके बाद परिमेय संख्याओं के बाद का जो सेट है वो हमारा अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं वो होती हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जिनका हम भिन्न नहीं बना सकते। तो ये इसके उदाहरण है, पाई हो गया, √2 √3 √5। एक्चुअली हम किसी भी अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या आप देख रहे हैं ना, किसी भी अभाज्य संख्या को रूट के अंदर रख दें तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है, ठीक है। ये सारी हमारी हो गई बेसिक संख्याओं के प्रकार। अब इन सब संख्याओं को एक साथ हम मिला दें, एक बड़ा सा ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें इन सारी संख्याओं को एक एक करके रखते जाएं,
तो वो जो हमारा ग्रुप बनेगा वो हमारा बनेगा वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का। तो आपको ये बात समझ में आ गई सारी संख्याओं की, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे अपना अगला टॉपिक जो है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में एक बेसिक सी बात जान लेते हैं। इस प्रमेय का को साइड करो, ठीक है। सबसे पहले आपने ये तो आप जानते ही होंगे, अगर हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो जो जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोलते हैं इंग्लिश में, डिविडेंड। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको भाजक बोलते हैं, डिवाइजर। और हमने जब भाग दिया तो जितनी बार भाग गया वो भागफल, और जितना शेष बचा उसको शेषफल। और इसी तरह जितनी बार हमने भाग दिया डिविडेंड को डिवाइजर से उसको क्वोशन्ट बोलते हैं, और जितना शेष बचा उसको रिमाइंडर। तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा, 9th में आप लोगों ने एक HCF निकालने के लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमें किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा, तो हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं, या तो हम फैक्टर करके निकालें उनके, या तो फिर हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालें। तो मान लीजिए हमें किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालना है, एक संख्या है 78 और दूसरी संख्या हम कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 30 ले लिया। इनका हमें निकालना है HCF, ठीक है, इन दोनों का। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में सबसे पहले भाग देते हैं। मान लीजिए 30 से हमने 78 में भाग दिया, ठीक है, दो बार भाग जाएगा। दो बार डिवाइड करने पे आया है यहाँ पे 60, और इससे जब माइनस करेंगे तो 18 आया। अब इस 18 के आगे हम इस 30 को लिखते हैं। जिस संख्या से पहले भाग दे रहे हैं, जो संख्या पहले डिवाइजर थी अब वो डिविडेंड बन जाएगी, और जो संख्या शेषफल मतलब रिमाइंडर आ रही थी अब वो डिवाइजर बन जाएगी। तो यहाँ पे 30 को लिखा, 18 से 30 में भाग दिया, एक बार गया 18, आया यहाँ पे 12। अब ये 18 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, एक बार गया 6। अब ये 12 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, दो बार गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हम 78 को 30 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। जैसे ही शेषफल 0 मिल गया तो वो संख्या जिससे हमने आखिरी बार भाग दिया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 78 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6। ये होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। तो जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये बेसिकली इसी नियम पर आधारित है। यही नियम को हम और एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे बजाय ऐसे लिखने का। तो मैं इसको मिटाता हूँ और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ यूक्लिड विभाजन लेमा के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये लेमा कहती है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं ए और बी हैं, यदि ए तथा बी दो, यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। अब मैंने यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोल दिया तो ये पूर्ण संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है तो दो अन्य अद्वितीय दो अद्वितीय
धनात्मक पूर्णांक क्यू तथा आर, दोहन अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान है कि जो हमारा ए है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे आर पे एक कंडीशन है कि वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और जबकि बी क्यू से छोटा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, सॉरी। ए को हम बी से भाग दे रहे हैं ना, तो जो हमारा शेषफल है आर वो बी से छोटा और जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये भाग देने की प्रक्रिया है ना, कोई दो संख्याएं ए और बी, हम अगर ए को बी से भाग दे रहे हैं और भाग गया क्यू बार, और जो शेष आया आर वो आर जीरो और बी के बीच में होना चाहिए। अगर हम इस चीज को इंग्लिश में देखें तो फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। तो मैंने यही चीज को इंग्लिश में लिख दिया है। देखो इसमें दो चीज हैं जो आपको समझनी है। पहली चीज, जिस तरह ए और बी धनात्मक पूर्ण संख्या है उसी तरह क्यू और आर धनात्मक पूर्ण संख्या है। और दूसरी चीज, ये दोनों संख्याएं क्यू और आर अद्वितीय हैं, मतलब कि यूनिक हैं। इन क्यू और आर के अलावा कोई और संख्या हमें नहीं मिलेगी जो इस समीकरण को संतुलित करे, है ना। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। मान लीजिए मैंने दो संख्याएं ले ली, ए बराबर है आपके पास 26 और बी बराबर 4। तो ए को 26 को हम 4 के इस समीकरण के रूप में लिखना है, तो हम 4 को किस संख्या से गुणा करें और किसने किस संख्या को जोड़ें कि 26 के बराबर आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या ये सही है? 4 को 6 बार गुणा किया 24 आया और 2 जोड़ दिया 26 बराबर आ गया। तो किसी भी संख्या को, किन्हीं दो संख्याओं को हम इस रूप में लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब देख लो यहाँ पे क्यू क्या है और आर क्या है। क्यू बराबर हमारा 6 कोशेंट और रिमाइंडर बराबर है 2। तो हमारा आर बी से छोटा है, बी अपना 4 है, ठीक है। तो ऐसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट है और इसको हम ऐसे प्रयोग करते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो हमें चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, मैंने दो एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोग इनको पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं तो यहाँ हूँ ही बताने के लिए, ठीक है। तो अगर हम पहला एग्जाम्पल उठाएं, इस एग्जाम्पल में दो संख्या दी हुई है 9 और 85। एक चीज ध्यान रखना, जो हमें ए लेना है वो हमेशा बड़ी संख्या को लेना है, ए इसको चूज करना है और बी इसको। तो हम 85 को 9, 9 से 9 का कितनी बार गुणा करें और क्या संख्या जोड़ दें जो 85 के इक्वल आ जाए। आप देखिए पहाड़ा पढ़िए, 9 9 81 होता है, 9 9 81, और उसके बाद पढ़ेंगे तो 85 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम सिर्फ 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 81, और इसमें 4 और ऐड कर दिया तो ये 85 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे अपना क्यू क्या आ गया 9 और आर क्या आ गया 4, ठीक।
इसी तरह इस एग्जाम्पल में देखते हैं, मैंने अभी बताया बड़ी संख्या को ए मानना है, छोटी संख्या को बी मानना है, तो ए अपना हो गया 75। अब 5 को कितनी बार गुणा करना है कि 75 के आसपास पहुंच जाए या 75 के बराबर हो जाए। तो देखो 5 को अगर हम 15 बार गुणा करें, 15 × 5 = 75, तो अब इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया समझने के लिए। 5 से जब हमने 75 में भाग दिया, 15 बार भाग गया और शेषफल कितना है? 0। तो अपना क्यू यहाँ पे आ गया 15, आर बराबर आ गया 0। तो देखो एक आर बराबर 0 का भी मैंने उदाहरण बता दिया। बाकी पिछले उदाहरण में आर की कुछ मान आ रहा था, आर का कुछ वैल्यू आ रहा था, इस वाले उदाहरण में आर बराबर 0 आ रहा है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन्हीं दो संख्याओं को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो समीकरण है उसमें कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का हम लोग HCF कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो दो संख्याओं का, दो संख्याओं का HCF निकालना, पहले मैं आपको एक उदाहरण लेके छोटा सा बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है, पहली संख्या है 75, ओके, और दूसरी संख्या है 10। बहुत ही इजी इजी एग्जांपल मैंने लिया है। अब इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना है HCF कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो 75 को हम लोग अगर ए मान लें, 10 को बी मान लें, तो 75 को कैसे लिख सकते हैं? 75 बराबर 10 × 7 + 5। आप लोग एग्री कर रहे हैं ना? 10 × 70 + 5 = 75। ठीक है, अब इस बार हम 10 को यहाँ लाएंगे और इसको 5 के गुणे में लिखेंगे। मतलब ए की जगह हम ए को मान, 10 को मान रहे हैं ए और 5 को बी मान रहे हैं। 5 को कितनी बार गुणा करें? 2 बार, तो हमें कितना मिल जाएगा? 10, और हमें जोड़ना पड़ेगा 0। तो हमें 2 ही बार में आ गया ये, हम लोग यहाँ पे आ गए और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो जब हम इन संख्याओं को यहाँ लाने पर 0 रिमाइंडर पे पहुंच जाए, तो जो यहाँ पे संख्या रहती है, ये अपना b था ना, जब 0 रिमाइंडर आ जाए तो जो अपना b होता है वही 75 और 10 का क्या होगा? HCF। तो HCF of 75 and 10 is what? 5। आप लोगों को प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले दी हुई संख्याओं को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जो समीकरण है उसके आधार पर लिख लिया। ठीक, हमने देखा कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमारा जो क्या बोलते हैं आर का मान है वो 5 आया। तो हमने वापस से इस 10 को और इस 5 को उठा के यहाँ लिख दिया ए और बी की तरह। अब हम देखते हैं कि 5 को कितनी बार गुणा करें कि वो 10 के बराबर आ जाए, या 5 को कितनी बार गुणा करके कुछ संख्या जोड़ दे तो 10 के बराबर आ जाए। हमने देखा 5 को 2 बार गुणा किया तो 2 बार गुणा करने पे ही 10 आ गया, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो जो हमारी संख्या यहाँ पे 5 है वही HCF बन गई। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक एक संख्या ले ली 65 लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट मैंने सोचा कोई और इजी संख्या ले लेते हैं, 64 ले लिया, 64, ठीक है। और दूसरी संख्या ले ली हमने मान लो 12, 64 और 12 ले ली। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इनका HCF निकालना है। 64 को मान लीजिए ए, 12 को मान लीजिए बी, तो 64 बराबर क्या हो जाएगा? 12 में हम कितने का गुणा करेंगे? 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दें 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 बार पढ़ा तो 60 के बराबर आ गया, हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आएगा कितना? 4। ठीक है, अब रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं आया तो हम 12 को उठा के यहाँ रखेंगे, बराबर निशान लगाएंगे, 4 को उठा के यहाँ रखेंगे। अब 4 को कितनी बार गुणा करें कि 12 आए? 3 बार, हो गया रिमाइंडर अपना 0 आ गया।
तो हमारा यहाँ पे HCF क्या आ गया, चार आ गया, है ना एकदम इजी। तो ये एकदम आसान से सवाल थे। अगर आप चाहें तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ जिसमें दो से तीन स्टेप का हो जाए, क्योंकि ये दोनों सवाल तो दो दो स्टेप में ही खत्म हो गए, है ना। अगर स्टेप और ज्यादा होंगे, रिपीट करेंगे तो मजा आएगा, देखते हैं। मान लीजिए मैंने 455 ले लिया और 42 ले लिया, दो संख्याएं ऐसे ले ली, ठीक है। 455 को 42 के गुणे में लिखते हैं, कितनी बार लिखना है देखिए। 455 और 42 लिख लिया, 455 को हम लोग मान लेते हैं ए, 42 को मान लेते हैं बी। तो 455 बराबर 42 को अगर हम 10 बार गुणा करें तो 420 आ जाएगा। 420, 55 से 420 घटाओगे तो 35, ठीक है, 45, 42 से कम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 10 बार गुणा किया, यहाँ पे आ गया कितना, 35। अब वही काम, 42 को यहाँ उठा के रखो और 35 को यहाँ उठा के, तो 35 को एक ही बार गुणा करेंगे क्योंकि दो बार जाएगा नहीं, तो आएगा कितना, प्लस 7, 35 7 42, ठीक है। अब वापस से 35 को यहाँ रखा, 7 को यहाँ रखा, 7 बचा 35 प्लस 0, 5 बार में 35 का खेल खत्म। तो हमने देखा कि जिस जगह हमें रिमाइंडर 0 आया, उस जगह हम जिस संख्या को b के बराबर मान रहे हैं, वो संख्या हमारी क्या होती थी, HCF अपना कितना आ गया, 7। तो आई होप कि ये प्रोसेस आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम कैसे किन्हीं संख्याओं का HCF निकालते हैं इस प्रमेय का यूज करके। ओके, तो अभी तक आपने देखा कि आप किन्हीं दो संख्याओं का जो HCF होता है, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते थे, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया। तो जो मैंने स्टेप्स वहाँ पे अपनाए, कैसे कैसे मैंने बदला दो संख्याओं को, पहले एक को ए माना, दूसरे को बी माना, वहाँ पे प्रमेय लगाई, फिर उसके बाद जो हमें क्यू और आर मिले उनको वापस से ए और बी मान के वही प्रमेय लगाई, तो मैं इन सभी स्टेप्स को एक सीरियल वाइज यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप में मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहली बात तो ये, हमने एल्गोरिदम और लेमा, पहले हमने यूक्लिड विभाजन लेमा पढ़ा, अब पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो लेमा और एल्गोरिदम में जो फर्क होता है, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लेमा हम किसी ऐसी, क्या बोलते हैं, किसी ऐसे फैक्ट को कहते हैं जो हमें पहले से प्रूफ होता है, हमें पहले से उसकी जानकारी होती है, हमें पता होता है, और हम जो आगे करने वाले होते हैं उस लेमा का प्रयोग करके आगे की चीजें हम निकाल सकते हैं। और जो जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, मतलब जो हमारा एल्गोरिदम होता है, ये कुछ निश्चित, क्या बोलते हैं, स्टेप्स होते हैं जिनको आप अगर एक सीक्वेंस में फॉलो करें तो आपका जो रिजल्ट है वो आना ही आना है। जो हमारा लेमा होता है वो एक प्रूवन फैक्ट होता है जिसका हम यूज करके आगे की चीजें निकालते हैं, और जो एल्गोरिदम होता है वो किसी काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं वो सीरियल वाइज लिखा रहता है। ये तो हो गया फर्क लेमा और एल्गोरिदम के बीच में। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं मैं एक एक करके लिख देता हूँ, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के जो भी स्टेप्स हैं HCF निकालने के, वो मैंने सारे यहाँ पे स्टेप वाइज लिख दिए हैं, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ एक बार आपको डिक्टेट करके। मान लेते हैं हमें दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी दिए गए हैं जिनका हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हमें तीन स्टेप सिर्फ फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा, सी और डी के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना है, EDL। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो सी और डी के लिए हमें दो मिलेंगे पूर्णांक जो कि यूनिक होंगे, क्यू और आर, सच दैट सी बराबर डी क्यू प्लस आर अपना हो जाएगा, और आर अपना डी से छोटा और जीरो से बड़ा या बराबर है, ये तो हमने बता ही दिया है, ठीक। अब इस जगह अगर हमारा आर जीरो नहीं होता है, अगर जीरो हो जाता है तो ये जो डी है जिस संख्या से हम सी को भाग दे रहे हैं वही अपना क्या बन जाती है, HCF। अगर आर जीरो नहीं होता है तो वापस से हम जो प्रोसेस हमने सी और डी के लिए किया था, सी और डी के लिए जो प्रमेय लगाई थी,
अब वापस से वही प्रमेय का, प्रमेय का डी और आर के लगाएंगे, डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वापस से प्रयोग करेंगे। जब आप प्रयोग करेंगे तो डी बराबर आर और उसके गुणे में कुछ और प्लस में कुछ आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह अगर फिर से आपको जीरो मिल गया तो ये जो आपका डी रहेगा, अगर आपको फिर से जीरो मिल गया तो जिसके लिए आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई है डी और आर, तो आपका आर यहाँ पे हो जाएगा HCF। अगर जीरो नहीं मिला तो वापस से आप रिपीट करेंगे, जो नया विभाजक होगा, नया जो कोशेंट होगा वो आपका HCF मिलेगा। इसी तरह रिपीट करना है और आपको एक कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आप अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी स्टेप्स हैं, जब आप एक बार दो बार तीन बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अब ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बता दी और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बता दिया, कैसे हम प्रमेयिका का इस्तेमाल करके किन्हीं दो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं ये भी बता दिया। तो आप लोग खुद से संख्याएं लिख के ट्राई करिए, एचसीएफ निकालिए और देखिए कि क्या आपसे हो पाता है या नहीं, ठीक है। और वापस से हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये लेक्चर समझ में आया, हेल्पफुल था या नहीं। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, जैसे कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, या कोई चीज़ कम समझा पा रहा हूँ, तो आप लोग वो फ्रीली बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स तभी पढ़ेंगे जब आप उनको फ्री बोलने का मौका देंगे। तो आप लोग देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करके ये वीडियोज़ बता दीजिए, और प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा मैथ्स की प्लेलिस्ट, जिसमें रोज़ शाम को 7 से 8 बजे के बीच में हम लेक्चर अपलोड करेंगे, एक लेक्चर, उसको आप लोग देखिए और पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।